हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं वेज ब्लॉक कांस्टेंट। लास्ट क्लास में हमने पुली ब्लॉक कांस्टेंट देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो यहाँ पर मैं आपको पहला क्वेश्चन बता दूँ। क्वेश्चन इस तरीके से है दैट दिस इज अ वेज एंड दिस इज अ ब्लॉक हुज मास इज एम, और वेज का मास कितना है, कैपिटल एम है। दिस वेज इज प्लेस्ड ऑन द स्मूथ सर्फेस। क्यों, इसकी वजह से क्या होगा, जब ब्लॉक नीचे आएगा तो ब्लॉक क्या करेगा, वेज को पुश करेगा पीछे की तरफ और वेज पीछे की तरफ मूव करना चालू हो जाएगी। सो व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट, वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ द वेज। ये जो वेज पीछे की तरफ जा रहा है कितनी एक्सेलरेशन के साथ जा रहा है, ये हमने कैपिटल ए ले लिया है। ये क्वेश्चन मार्क है हमारे पास, ये क्वेश्चन मार्क है ये चीज़ हमारे पास, ठीक है। तो क्लास यहाँ पर मैंने आपको इनिशियल पोजिशन और फाइनल पोजिशन भी बता दिया। मैं आपको डायग्राम एक्सप्लेन कर लेता हूँ। पहले इनिशियल पोजीशन क्या था, ये वेज थी, ये ब्लॉक एम थी। अभी ब्लॉक एम जैसे नीचे स्लाइड होगा वेज क्या होगा, पीछे खिसकेगा। तो ये इनकी फाइनल पोजीशन है समझो, ठीक है। जैसे जैसे ब्लॉक देखो, ब्लॉक क्या है, नीचे आ रहा है, ब्लॉक देखो नीचे आ गया। अब नीचे जाते वक्त उसने डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग द इंक्लाइंट कितना ले लिया, एक्स, एंड परपेंडिकुलर द इंक्लाइंट कितना ले लिया, वाई, ठीक है। और ये जो वेज है ये इसकी इनिशियल पोजीशन यहाँ पर थी, अब फाइनल पोजीशन यहाँ पर है, तो इसने हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना मार दिया, कैपिटल एक्स, ठीक है। तो जब मैं इन वाई को मैंने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, दिस इज़ वाई एंड दिस इज़ माय एक्स, है ना। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेज इज़ एक्स, सी डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेज इज़ एक्स, है ना। और ये जो ब्लॉक है ये परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन कितना मूव किया है, वाई मूव किया है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम दिस ट्राइंगल, ये जो छोटू सा ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में हम साइन थीटा लगा देंगे। व्हाट इज साइन थीटा, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। व्हाट इज ऑपोजिट, ए वाई, ऑपोजिट क्या है, वाई ए, एंड हाइपोटेनियस इज एक्स। तो वाई का वैल्यू कितना हो गया, इट इज़ एक्स साइन थीटा, है ना। इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हो गया डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी टी साइन थीटा। तो ये हो गया हमारे पास ए वाई विच इज इक्वल्स टू, सॉरी वी वाई वेलोसिटी होगा, वी वाई इज इक्वल्स टू कैपिटल वी साइन थीटा। इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन, डायरेक्टली लिख देता हूँ, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो एक्सेलरेशन आएगा। सो ए वाई इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा। व्हाट इज ए वाई, ए वाई इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इन परपेंडिकुलर द इंक्लाइन, परपेंडिकुलर द इंक्लाइन, राइट, ओके। एंड व्हाट इज कैपिटल ए, कैपिटल ए इज द एक्सेलरेशन ऑफ द वेज। चलो वेरी गुड, फैंटास्टिक, समझ में आता है। अभी हम यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखना क्लास। अभी मैं सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा। सो दिस इज माय वेज, इस वेज के ऊपर कौन सी फोर्सेस लग रही है, एक तो खुद एम जी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, एक नॉर्मल रिएक्शन ले लो, नॉर्मल रिएक्शन जो ग्राउंड प्रोवाइड कर रहा है इस वेज को, दैट इज एन, एन वन ले लेते। चलो ये ब्लॉक भी क्या करेगा, इसको एक फोर्स देगा लाइक दिस, नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड करवाएगा N2, करेक्ट। एंड दिस वेज इज मूविंग इन द लेफ्ट डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन A, फैंटास्टिक। चलो अभी हम इस ब्लॉक की बात करेंगे। सो दैट दिस इज द ब्लॉक हुज मास इज M, जिसकी वजह से इसका जो वेट बनेगा दैट इज mg इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन बनेगा दैट इज N2 इन द अपर डायरेक्शन लाइक दिस, ओके। अभी यहाँ पर हम इस फ्री बॉडी डायग्राम को एनालाइज करेंगे और सॉल्व करेंगे। नाउ सी हियर, अभी हम क्या करने वाले हैं, इसी चीज़ को एनालाइज करेंगे, ध्यान से देखो। दिस इज N2, तो N2 को रिजॉल्व कर दो। सी दिस इज माय x एक्सिस एंड दिस इज माय y एक्सिस फॉर द वेज। तो N2 को मैं रिजॉल्व कर दूंगा इनटू टू कंपोनेंट्स, वन विल बी इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड अनदर विल बी इन द वर्टिकल डायरेक्शन। सो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स में मैंने इसको रिजॉल्व कर दिया। तो अब क्लास ध्यान से देखोगे, हमारा N2 जो है वो इस डायरेक्शन में है, लेट्स से दिस इज N2। इसको अगर मैंने एक्सटेंड कर दिया तो ये टीटा है, ये 90 माइनस टी, ये सॉरी 90 है, तो ये हो जाएगा 90 माइनस टीटा। तो हमें पता है N2 हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ 90 माइनस टीटा बना रहा है। तो यहाँ पर सी, जब मैं यहाँ पर बात करूँगा लाइक दिस इज़ माई हॉरिजॉन्टल लाइन, तो सो ड्यू टू द अल्टरनेट एंगल टेस्ट ये भी मेरा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो हमें पता है ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये थीटा हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा N2 cos थीटा और ये हो गया हमारा N2 sin थीटा। अभी आप क्लास ध्यान से देखोगे, N2 sin थीटा इज़ द रिस्पॉन्सिबल टू गिव द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। यही फोर्स रिस्पॉन्सिबल था इसको एक्सेलरेशन प्रोवाइड कराने के लिए।
तो हम लोग क्या लिखेंगे, एन टू साइन थीटा इज इक्वल्स टू, इसका मास कितना है, कैपिटल एम, सो आई विल राइट डाउन मास इनटू एक्सेलरेशन। फैंटास्टिक, चलो परफेक्ट। ओके, तो ये चीज़ आ गई है। अभी मैं इस ब्लॉक की बात करूँगा, तो इस ब्लॉक में वी विल टेक दिस एज एक्स एक्सिस एंड दिस एज वाई एक्सिस, करेक्ट। तो एम जी को रिजॉल्व करेंगे, एम जी विल बी रिजॉल्व इन एक्स डायरेक्शन एज वेल एज इन वाई डायरेक्शन, करेक्ट। तो यहाँ पर हमें पता है, इसको मैं लिख दूंगा दैट दिस विल बी एम जी साइन थीटा एंड दिस विल बी एम जी कॉस थीटा, ठीक है। एंड वी नो दैट दिस ब्लॉक इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन ए वाई, लगा देंगे न्यूटन्स की लॉ लगा देंगे इन वाई डायरेक्शन, सो देयरफॉर नेट फोर्स कितनी हो जाएगी, एम जी कॉस थीटा माइनस एन टू विच इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ वाई ए वाई। लेकिन क्योंकि हमें पता है ए वाई का वैल्यू ए साइन थीटा है, तो यहाँ पर पुट करेंगे, सो एम जी कॉस थीटा माइनस एन टू इज इक्वल्स टू एम ए साइन थीटा। एन टू की वैल्यू कितनी आ गई फिर हमें, एन टू इज इक, अच्छा यहाँ से कम बैक ओवर ईयर, यहाँ से हम एन टू की वैल्यू निकालेंगे, दैट इज एम ए अपॉन साइन थीटा, है ना। एन टू की ये वैल्यू उठा के यहाँ पर रख दो, तो ये क्या हो गया, एम जी कॉस थीटा माइनस एन टू का वैल्यू कितना है, एम ए अपॉन साइन थीटा, तो एम ए अपॉन साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम ए साइन थीटा, टेकिंग एलसीएम, तो ये हो गया एम जी साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम ए, इसको राइट हैंड साइड भी भेज दिया, प्लस एम ए साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। जहाँ से मैं ए कॉमन ले लूँगा तो अंदर क्या मिलेगा, एम प्लस एम साइन स्क्वायर थीटा विच इज एम जी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, सो देयरफॉर एक्सेलरेशन कितना हो गया हमारे पास, एम जी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन एम प्लस एम साइन स्क्वायर थीटा, सो दैट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन दैट वी हैव, क्लियर। सो प्लीज कॉपी डाउन दिस, देन विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सपोज दिस इज अ रॉड, ओके, जो एक सपोर्ट्स के बीच में है, ये सपोर्ट्स क्या करेगी, इसकी हॉरिजेंटल मोशन को रोकेगी, इसकी हॉरिजेंटल मोशन नहीं होने देगी, और इस वेज के ऊपर है, तो क्या होगा, ये रॉड जैसे से नीचे आएगा, ये रॉड नीचे आएगा तो ये वेज क्या होगा, पीछे की तरफ खिसकेगा, ठीक है, ये वेज क्या होगा, पीछे की तरफ खिसकेगा। तो हमें फाइंड आउट करना है कि इस रॉड की एक्सेलरेशन क्या होगी एज वेल एज इस वेज की एक्सेलरेशन क्या होगी, ठीक है। सो यहाँ पर हम देखेंगे, सबसे पहले तो इसका डायग्राम देख लो, थोड़ी देर के बाद जब रॉड नीचे खिसकना चालू हुआ तो थोड़ी देर के बाद इनकी नई पोजिशन क्या थी, है ना, इनकी नई पोजीशन क्या थी, सी दिस इज द वेज, वेज अभी आगे खिसक के यहाँ तक कुछ आ गया, ये हमारा सरफेस था, ठीक है, ये हमारा सरफेस है। मैं आपको दो तरीके बताऊंगा रिलेशंस निकालने के, ठीक है, तो दोनों तरीके देख लो, आपको जो भी तरीका सुटेबल है आप वो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ये जो वेज है ये खिसक के ऐसे नीचे आ गया, देखो ऐसे, लाइक दिस, दिस इज़ द न्यू पोजिशन ऑफ द वेज, ये वेज था, ये अभी खिसक के ऐसे आ गया, नीचे आ गया, लाइक सी, क्लियर। सो ये नई पोजिशन है उनकी, तो जब आप देखोगे तो वेज ने डिस्प्लेसमेंट कितनी मारी, दिस डिस्प्लेसमेंट, लेट्स से ये वाली डिस्प्लेसमेंट इसने वाई ले ली, और इसने ये, सॉरी, रॉड ने कितनी डिस्प्लेसमेंट ले ली, वाई ले ली, और इस वेज ने कितनी डिस्प्लेसमेंट ले ली, एक्स ले ली। सो दिस डिस्प्लेसमेंट इज़ एक्स एंड दिस डिस्प्लेसमेंट इज़ वाई, ये वाई डिस्प्लेसमेंट हम यहाँ पर दिखा देते हैं कि ये जो डिस्प्लेसमेंट थी ये वाई डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये एक्स, आप देख रहे होगे ये एक ट्राइंगल बन गया है, तो इस ट्राइंगल में मैं टेन थीटा लगा दूंगा, टेन थीटा इज ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, दैट इज़ वाई बाई एक्स, तो वाई का वैल्यू कितना मिल गया, एक्स टेन थीटा, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी, अच्छा एक काम करते हैं, डी वाई स्मॉल वी ले लेते हैं, स्मॉल वी इज़ द वेलोसिटी ऑफ द रॉड एंड कैपिटल वी इज़ द वेलोसिटी ऑफ द वेज, है ना। सो एक्स को डिफ्रेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमें वेलोसिटी ऑफ द वेज मिल जाएगा, वाई को डिफ्रेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमें वेलोसिटी ऑफ द रॉड मिल जाएगा, सो वी इज इक्वल्स टू वी टेन थीटा, ठीक है, इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगेन, therefore मुझे acceleration का relation मिल गया, a is equals to a tan theta, so this is the relation of the acceleration, correct, fantastic, तो हमें acceleration मिल गया, इसकी acceleration a है, इसकी acceleration small a, तो एक तरीका ये है पता करने का। दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ, दूसरे तरीके से भी आप पता कर सकते हो
जैसे कि हमें पता है ए इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड कैपिटल ए इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ द वेज इन राइट डायरेक्शन. अगर मैंने यहाँ पर क्लास ध्यान से देखना जो मैं बता रहा हूँ, इफ़ आई कंसिडर दिस इज माई एक्स एक्सिस एंड दिस इज माई वाई एक्सिस, इसको अगर हमने एक्स और इसको वाई कंसिडर कर लिया, तो यहाँ पर ध्यान से देखना ए को रिजॉल्व करेगा अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो ये स्मॉल ए रिजॉल्व हो जाएगा एक तो इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में. करेक्ट, स्मॉल ए देखो नीचे आ रहा था ना, स्मॉल ए देखो नीचे आ रहा था, तो इसको एक तो मैंने इस डायरेक्शन में रिजॉल्व कर दिया और इस डायरेक्शन में रिजॉल्व कर दिया. हमें पता है ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो मैं इसको एक्सटेंड करूँगा, यहाँ पर 90 बनेगा, यहाँ पर 90 माइनस थीटा बनेगा, तो ये थीटा बनेगा, है ना, तो ये वाला थीटा हो गया. तो आई विल राइट डाउन दैट दिस कॉम्पोनेंट इज ए कॉस थीटा एंड दिस कॉम्पोनेंट विल बी ए साइन थीटा. उसी तरीके से हम इस ए को भी रिजॉल्व करेंगे. देखो ये वाली जो ए है मैं यहाँ पर शो करता हूँ दैट दिस ए इज़ इन दिस डायरेक्शन, तो एक तो मैंने इंक्लाइंड पे रिजॉल्व करवा दिया एंड वन इज़ दिस वे, है ना, तो ए क्या हो जाएगा, एक तो इंक्लाइंड पे रिजॉल्व हो जाएगा और एक परपेंडिकुलर द इंक्लाइंड. ठीक है, तो हमें पता है हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ये इंक्लाइंड थीटा बना रहा है, तो ये थीटा हो जाएगा, तो ये थीटा हो गया, जिसकी वजह से ये कॉस थीटा हो गया और ये वाला पार्ट क्या हो गया, ए साइन थीटा. सही है, ओके गुड. नाउ क्लास रिमेंबर, अगर इस वेज को सॉरी इस रॉड को इस वेज के साथ कांटेक्ट में बने रखना है, कांटेक्ट में बने रहना है, ध्यान से सुनना, इस वेज को इस रॉड के साथ कांटेक्ट में बने रहना है, तो इनकी परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स को सेम होना पड़ेगा, इनकी परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स को सेम होना पड़ेगा. सो ए कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा, जिसकी वजह से ए क्या हो गया, ए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, विच इज equals to a is equals to क्या हो जाएगा, a tan theta हो गया. सी वी गॉट द सेम रिलेशन. तो आप ये आपके ऊपर है, आपको कौन सी मैथड से करना है, इट्स अप टू यू. मैंने आपको दोनों मैथड बता दिए, ओके, आपको जो भी मैथड अच्छा लगता है आप उस मैथड से कर सकते हो. अभी मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँगा, ध्यान से देखो. सबसे पहले रॉड की बात करेंगे, तो ये रॉड है हमारा, लेट्स से दिस इज अ रॉड, ओके, यहाँ पर इसको नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड हो रही है रॉड को, सो दिस इज़ द नॉर्मल रिएक्शन. मैं छोटा ही बनाऊंगा, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगा, सो दिस इज़ नॉर्मल रिएक्शन. इस रॉड का खुद का वेट होगा, दैट इज़ एम जी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो ये एम जी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, करेक्ट. तो ये चीज़ें मिल गई, जैसे कि हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि ये नॉर्मल रिएक्शन होगी हमारी, द परपेंडिकुलर द सरफेस. ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज मेक्स एन एंगल 90 डिग्री विद द सरफेस. तो यहाँ पर जब मैं इसको एक्सटेंड करूँगा, ये 90 है तो हमें पता है ये वाला 90 है ना, दिस इज सी दिस लाइन इज, ये जो नॉर्मल रिएक्शन है इसको मैंने पीछे की तरफ एक्सटेंड किया, है ना, नॉर्मल रिएक्शन वाली लाइन सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो ये 90 थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा हो गया. मतलब जो नॉर्मल रिएक्शन है वो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कितना एंगल बना रहा है, मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन है समझो, ये इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, 90 माइनस थीटा का एंगल बना रहा है. तो ऑब्वियसली वर्टिकल लाइन के साथ कितनी एंगल बनाएगा, दिस एंगल इज थीटा. तो ये वाला जो कंपोनेंट है, दिस कंपोनेंट बिकम एन कॉस थीटा एंड दिस कंपोनेंट बिकम एन साइन थीटा. फैंटास्टिक, एन कॉस थीटा एंड एन साइन थीटा. चलो ये चीज़ समझ में आती है. और ये जो रॉड है ये नीचे की तरफ आ रहा है विद एन एक्सेलरेशन स्मॉल है. अब बात करेंगे वेज की, तो वेज का भी देख लेते हैं हम लोग, ओके. सो वेज पे भी नॉर्मल रिएक्शन लग रही है इन दिस डायरेक्शन, दैट इज एन, जो रॉड ने वेज के ऊपर लगाया. ठीक है, यहाँ पर एंगल थीटा है हमारा, वेज का खुद का वेट होगा, दैट इज़ एम जी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और ग्राउंड से भी उसको सपोर्टिंग फोर्स मिलेगा, दैट इज़ एन वन इन द अपर डायरेक्शन. क्लियर, तो यहाँ पर एन को रिजॉल्व करेंगे इनटू टू कंपोनेंट्स. हमें पता है, सी ईयर क्लास, वी नो दैट इफ दिस इज 90 माइनस थीटा, एन वाली जो लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ 90 माइनस थीटा बना रहा है. मतलब इस केस में देखोगे तो ये वेज के ऊपर जो नॉर्मल रिएक्शन लग रही है, दैट दिस इज द एन, एंड इस लाइन के साथ 90 माइनस थीटा बना रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊंगा तो ये 90 माइनस थीटा होगा. देखो एन हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, मतलब एन हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ 90 माइनस थीटा बनाएगा, तो ये एंगल थीटा होगा. तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये हो गया हमारा एन कॉस थीटा और ये हो गया हमारा एन साइन थीटा. रिमेंबर गाइज, दिस एंगल इज थीटा. ठीक है, फाइन. चलो
अभी हम लोग इस पार्ट को आगे सॉल्व करते हैं। जैसे कि हमें पता है ये ब्लॉक राइट की तरफ जा रहा है विथ एन एसोलेशन ए, और ये अच्छा मैंने यहाँ पर दिखा दिया, रॉड मूव कर रहा है नीचे की तरफ विथ एन एसोलेशन स्मॉल ए। बस कुछ नहीं करना है, न्यूटन की लॉ लगा दो, कहानी खत्म। ये रॉड है विच इज़ नथिंग बट एम जी माइनस एन कॉस थीटा विच इज़ इक्वल्स टू एम ए। स्मॉल ए का वैल्यू क्या है, ए टेन थीटा। सो एम जी माइनस एन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम ए टेन थीटा। सो देयरफॉर एम जी माइनस एम ए टेन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू नॉर्मल रिएक्शन। चलो मिल गया एन का वैल्यू, अभी हम इसमें लगा देंगे न्यूटन की लॉ। वी नो दैट एन साइन थीटा इज इक्वल्स टू वॉट, मास इंटू कैपिटल एसोलेशन ए, है ना। एन की वैल्यू उठा के यहाँ पर रख दो, तो एन की वैल्यू कितनी है, एम जी माइनस एम ए टेन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम ए, सही है। आई थिंक सो साइन थीटा मिस कर दिया, या साइन थीटा यहाँ पर लिखना है। ओके, कॉस थीटा को यहाँ पर भेजेंगे, सो ये कितना हो जाएगा, ब्रैकेट्स भी ओपन कर दूंगा मैं, तो ये हो जाएगा एम जी साइन थीटा माइनस एम ए टेन थीटा इंटू साइन थीटा, और कॉस थीटा को मैंने राइट हैंड साइड भेज दिया, तो ये हो गया एम कैपिटल एम ए कॉस थीटा, सही है। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा ये एम जी साइन थीटा इज इक्वल्स टू ए एम, ये पार्ट को मैंने राइट हैंड साइड भेज दिया एम, टेन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं दैट इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये वाला साइन थीटा, सही है, प्लस कैपिटल एम कॉस थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा बिकम साइन स्क्वायर थीटा, करेक्ट। तो एम जी साइन थीटा इज इक्वल्स टू ए एम साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस एम, मैं यहाँ पर भी एलसीएम ले लूँगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, करेक्ट। तो यहाँ पर कैपिटल एसोलेशन का वैल्यू, ए का वैल्यू हमें क्या आ रहा है, ये जो कॉस थीटा है इसको राइट हैंड साइड भेज देंगे, तो ये हो गया एम जी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना, और यहाँ पर हो जाएगा एम साइन स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर में एम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कैपिटल एम कॉस स्क्वायर थीटा, सो दैट इज़ द वैल्यू व्हाट वी आर गेटिंग, ठीक है। ये कैपिटल ए का वैल्यू है, कैपिटल ए की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे जिससे हमें स्मॉल ए का वैल्यू आ जाएगा। तो स्मॉल ए क्या हो जाएगा, सबसे पहले कैपिटल ए दैट इज एम जी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन एम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कैपिटल एम कॉस स्क्वायर थीटा, ये कैपिटल ए का वैल्यू है। टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये वाला टेन थीटा। तो यहाँ पर जब देखोगे कॉस कॉस चला गया, साइन इंटू साइन बिकम साइन स्क्वायर थीटा, तो एम जी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन एम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कैपिटल एम कॉस स्क्वायर थीटा, सो दैट इज द फॉर्मूला फॉर द एसोलेशन ऑफ द रॉड। सो प्लीज कॉपी डाउन, देन वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके क्लास, सो लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देयर आर द टू वेजेस हुज मास इज कैपिटल एम एंड दिस इज अ प्लैंक हुज मास इज स्मॉल एम, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, सारी सरफेसेस फ्रिक्शनलेस सरफेसेस है, ओके। यहाँ पर क्या होगा, जैसे मैंने सिस्टम को रिलीज कर दिया तो ये जो प्लैंक है ये नीचे खिसकेगा और ये जो वेजेस है ये ऐसे दूर जाएगा। तो हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज़ द एसोलेशन ऑफ द प्लैंक, मुझे इस प्लैंक की एसोलेशन पता करनी है। तो हम ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले कुछ देर के बाद इनकी पोजीशंस क्या होगी वो देखने की कोशिश करेंगे। तो ये जो ब्लॉक बी है ये खिसक के पीछे की तरफ आ गया, जैसे कि हमें पता है ना, ये यहाँ पर आ जाएगा लाइक दिस, करेक्ट। सो दिस इज माई ब्लॉक बी, यहाँ पर एंगल थीटा बन रहा है, करेक्ट। ये ब्लॉक बी यहाँ पर आ गया आपका, तो ब्लॉक बी में लेट्स सी डिस्प्लेसमेंट कितनी थी, ब्लॉक बी में, ब्लॉक बी की डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में थी और मैंने एक्स मान लिया, और कुछ देर के बाद ब्लॉक सी वाला भी तो पार्ट खिसक के आगे की तरफ आ जाएगा लाइक दिस, लेट्स सी ये वाला हिस्सा। तो यहाँ पर जब आप देखोगे ये एंगल थीटा है हमारा और ये सी खिसक के आगे की तरफ आ गया, लेट्स सी ये डिस्प्लेसमेंट भी सेम है, ओके। अज्यूम करेंगे डिस्प्लेसमेंट सेम हो रही है दोनों जगह, ओके। सो नाउ इफ वी विल सी, ये जो रॉड है, प्लैंक बोल सकते हो, ये जो प्लैंक है ये कहाँ पर आ गया, ये शायद नीचे आ गया होगा यहाँ तक,
like this. You can say this plank might be reach over here, यहाँ तक पहुँच गया something, है ना, plank देखो नीचे आ रहा है. So ये motion बन रही है इनकी. Plank का जो नीचे आने वाला acceleration है उसको मैंने A ले लिया. इस ब्लॉक का एसोलेशन होगा कैपिटल A और इस ब्लॉक की भी एसोलेशन होगी कैपिटल A. दोनों ब्लॉक सेम है, दोनों वेजेस सेम एसोलेशन के साथ बाहर जा रहे हैं और ये रॉड नीचे आ रहा है विद एन एसोलेशन स्मॉल A. फाइन, तो इस चीज़ को इस यहाँ पर मुझे स्मॉल A और कैपिटल A के बीच का रिलेशन निकालना है तो दो तरीके से निकाल सकते हैं. मैं आपको दोनों तरीके बता रहा हूँ, ध्यान से देखो. तो यहाँ पर जब डिस्प्लेसमेंट x हुई तो इस रॉड में डिस्प्लेसमेंट कितनी थी. इस रॉड में जब आप यहाँ पर देख लोगे, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट y है. लेट्स से इस रॉड की डिस्प्लेसमेंट कितनी है, y है, है ना. ये रॉड कितने डिस्प्लेसमेंट से नीचे आ गया, y डिस्प्लेसमेंट से नीचे आ गया. सो यहाँ पर जब आप देखोगे इस ब्लॉक में, इस वेज में डिस्प्लेसमेंट कितनी है, x है ना. इस वेज में डिस्प्लेसमेंट कितनी है, x है. तो यहाँ पर इस रॉड में डिस्प्लेसमेंट x है. जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बात कर लूँ तो यहाँ पर रॉड पहले यहाँ पर था. सी, यहाँ पर आपका एंगल टीटा फॉर्म हो रहा है, पहली बात तो करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट, और ये आपकी डिस्प्लेसमेंट x है, करेक्ट. ये वाली डिस्प्लेसमेंट जो x है मैंने इसको यहाँ पर शिफ्ट कर दिया. तो यहाँ पर जब मैं आपको बोलूँगा टेल मी व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ tan थीटा, इट इज़ ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, दैट इज़ y अपॉन x. सो y का वैल्यू कितना हो गया, इज इक्वल्स टू x tan थीटा. इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमें मिलेगा दैट स्मॉल v इज इक्वल्स टू कैपिटल v tan थीटा. स्मॉल v इज़ द वेलोसिटी ऑफ द रॉड एंड कैपिटल v इज़ द वेलोसिटी ऑफ द वेज. इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. सो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो ये हो गया स्मॉल a इज इक्वल्स टू a tan थीटा. तो स्मॉल a इज़ द एसोलेशन ऑफ द रॉड एंड कैपिटल a इज़ द एसोलेशन ऑफ द वेज. तो ये एक तरीका है सॉल्व करने का. मैं आपको सेकेंड मैथड भी बता देता हूँ. सेकेंड मैथड में हमें पता है एसोलेशन कहाँ पर है, इट इज़ इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन स्मॉल a, और कैपिटल a कहाँ पर है, लेफ्ट की तरफ है, ठीक है. अगर मैंने यहाँ पर क्या किया, हमने इसको x एक्सिस मान लिया लाइक दिस, दिस इज़ माई x एक्सिस एंड दिस इज़ माई y एक्सिस. हमने ये x एक्सिस और ये y एक्सिस मान लिया एट दिस पोजिशन, ठीक है. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्मॉल a को रिजॉल्व करेंगे इंटू टू कॉम्पोनेंट्स. सो वन विल बी इन दिस डायरेक्शन अलॉन्ग y डायरेक्शन एंड अनदर विल बी अलॉन्ग x डायरेक्शन, करेक्ट. एक y डायरेक्शन में होगा और एक कहाँ पर होगा. तो अभी यहाँ पर आप देखोगे a जो था वो कहाँ पर था, इट इज़ इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. में यहाँ पर दिखा देता हूँ दैट a इज़ इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, जिसको हमने रिजॉल्व किया वन अलॉन्ग दिस लाइन एंड अनदर अलॉन्ग दिस लाइन, ठीक है. तो यहाँ पर टीटा बन रहा है, इस लाइन को मैं एक्सटेंड करूँगा तो ये 90 हो गया, ये 90 हो जाएगा तो ये वाली एंगल 90 माइनस टीटा हो जाएगी, है ना. ये 90 माइनस टीटा हो गया तो ये टीटा हो गया, मतलब यहाँ पर ये टीटा है तो ये पार्ट हो गया आपका a cos थीटा और ये पार्ट हो गया आपका a, सॉरी स्मॉल a sin थीटा. ये क्या हो गया, a sin थीटा. अभी कैपिटल a को भी रिजॉल्व करेंगे वन अलॉन्ग y एक्सिस, x एक्सिस अनदर अलॉन्ग y एक्सिस, ठीक है. तो यहाँ पर जब कैपिटल a को देखोगे, ये वाला पार्ट कैपिटल a, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ दैट दिस इज़ माई कैपिटल a. इसको मैंने रिजॉल्व किया वन अलॉन्ग x एक्सिस एंड अनदर अलॉन्ग y एक्सिस लाइक दिस, ओके. तो यहाँ पर अगर ये वाली एंगल टीटा है तो ऑब्वियसली ये एंगल टीटा होगा, तो ये पार्ट क्या हो गया आपका a cos थीटा. तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ दैट दिस इज थीटा. तो यहाँ पर इस a को रिजॉल्व कर दिया हमने एज a cos थीटा एंड a sin थीटा. तो हमें पता है जो परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट्स है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए फॉर द रॉड, फॉर द प्लैंक टू बी इन कॉन्टैक्ट विद द वेज. इस प्लैंक को अगर वेज के साथ कॉन्टैक्ट में रहना है तो इनकी परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट्स क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए. मतलब बोलने का मतलब है ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए. सो ए साइन थीटा इज इक्वल्स टू ए कॉस थीटा, करेक्ट. सो दैटफोर ए इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. तो साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, टेन थीटा. सो स्मॉल ए का वैल्यू क्या आ रहा है, ए टेन थीटा. तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो दैट स्मॉल ए इज इक्वल्स टू ए टेन थीटा. चलो बढ़िया, एकदम सही जा रहे हम. ओके, अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनकी एफ बी डी बना देंगे. इनकी क्या करेंगे, एफ बी डी बनाएंगे. तो ध्यान से देखो, सबसे पहले मैं वेज की बना देता हूँ दैट इफ़ दिस इज़ अ वेज, अगर ये हमारी वेज है तो सबसे पहले तो इसका खुद का वेट एम जी, उसके बाद नॉर्मल रिएक्शन देगा ये एन वन का, उसके बाद रॉड इसको नॉर्मल रिएक्शन दे रहा है इन दिस डायरेक्शन दैट इज़ एन. यहाँ पर 90 डिग्री ये एंगल टीटा है, ठीक है.
तो इस एन को मैं रिजॉल्व करूंगा इनटू टू कंपोनेंट्स, वन अलोंग द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड अनदर अलोंग द वर्टिकल लाइन। तो आपको पता है ये 90 है, तो इसको जब आप एक्सटेंड करोगे पीछे की तरफ तो ये वाला 90 माइनस थीटा हो जाएगा। इफ़ दिस इज़ 90 माइनस थीटा देन दिस इज़ 90 माइनस थीटा, ऑल्टरनेट एंगल टेस्ट, तो ये थीटा हो गया। तो आई विल राइट डाउन दैट दिस इज एन कॉस थीटा एंड दिस कॉम्पोनेंट विल बिकम एन साइन थीटा। करेक्ट, एन साइन थीटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सेलरेशन ऑफ द वेज। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा दैट इज एन साइन थीटा इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, कैपिटल ए। ओके फाइन, अभी हम बात करेंगे रॉड की। सो फॉर द रॉड मैं इसकी एफबीडी बना दूंगा फॉर द रॉड, जैसे कि ये रॉड है हमारे पास लाइक दिस, ठीक है। इस रॉड के ऊपर लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन लाइक दिस, एन लगाएगा और यहाँ पर भी नॉर्मल रिएक्शन लगेगा एन, करेक्ट। इसका जो रॉड का वेट है दैट इज़ एम जी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, क्लियर। जो रॉड का वेट होगा दैट इज़ एम जी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, ओनली टू फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन द रॉड। तो यहाँ पर इस एन को हम लोग रिजॉल्व कर देंगे इनटू टू कंपोनेंट, वन विल बी द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, अनदर विल बी द वर्टिकल कंपोनेंट। तो इस रॉड के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है इन दिस डायरेक्शन दैट इज़ एन, यहाँ पर 90 डिग्री फॉर्म हो रही है। तो इसको जब हम एक्सटेंड करेंगे तो देखो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ये 90 है ना, दिस इज 90 थीटा, दिस विल बी 90 माइनस थीटा, मतलब एन हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ 90 माइनस थीटा बनाता है, वर्टिकल लाइन के साथ थीटा बनाएगा। तो ये हो गया एन कॉस थीटा फिर, क्योंकि ये थीटा है, और ये हो गया हमारा एन साइन थीटा। उसी तरीके से जब आप इस एन को देखोगे, यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन को देखोगे दैट दिस इज़ द नॉर्मल रिएक्शन एन, इसको मैं पीछे की तरफ एक्सटेंड करूँगा तो ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा। मतलब जब ये एन को रिजॉल्व करोगे इनटू टू कंपोनेंट तो ये वाला 90 माइनस थीटा है, तो ये थीटा हो गया, तो ये हो गया एन कॉस थीटा और ये वाला हो गया एन साइन थीटा। एंड दिस रॉड इज मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन स्मॉल ए। तो यहाँ पर देखोगे नेट फोर्स कितनी हो जाएगी, यहाँ पर इट इज़ एम जी एन कॉस थीटा एंड एन कॉस थीटा, सो इट बिकम्स टू एन कॉस थीटा, टू एन कॉस थीटा विच इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन एम इनटू ए, करेक्ट। और हमें स्मॉल ए ही पता करना है, तो कैपिटल ए की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, ए अपॉन टेन थीटा। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा कैपिटल ए की जगह ए अपॉन टेन थीटा, कैपिटल ए की जगह हमने क्या लिख दिया, ए अपॉन टेन थीटा, ठीक है। तो जब आप यहाँ से देखोगे एन का वैल्यू, या सो एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, एम ए अपॉन टेन थीटा इंटू साइन थीटा, यही एन की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा। सो देयरफॉर एम जी माइनस टू, एन की वैल्यू कितनी है, एम ए अपॉन टेन थीटा इंटू साइन थीटा, ये एन की वैल्यू मैंने पुट कर दी, इंटू कॉस थीटा विच इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। सो एम जी इज इक्वल्स टू, इस पार्ट को राइट हैंड साइड भेज देंगे, एम ए कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कम्स आउट टू बी कॉट थीटा, एंड कॉट थीटा इज 1 बाई टेन थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। कॉस अपॉन साइन इज कॉट थीटा एंड कॉट थीटा इज 1 अपॉन टेन थीटा, तो टेन इंटू टेन बिकम्स टेन स्क्वायर थीटा। ओके, प्लस मास इंटू स्मॉल ए, तो ये चीज़ें आ गई हम लोग को यहाँ पर। सो आई विल राइट डाउन 2m प्लस m टेन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन स्क्वायर थीटा, और मैंने a कॉमन ले लिया, और यहाँ पर mg इस टेन स्क्वायर थीटा को यहाँ पर भेज दो, तो a इज इक्वल्स टू mg टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 2m प्लस m टेन स्क्वायर थीटा। सो दैट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन वी हैव, करेक्ट। सो प्लीज़ कॉपी डाउन दिस, देन विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके क्लास, लेट्स डू द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। सो यहाँ पर क्वेश्चन ऐसा है दैट दिस इज अ वेज हुज मास इज एन मेकिंग एन एंगल थीटा विद द इंक्लाइन, एंड दिस इज अ रॉड हुज मास इज स्मॉल एन। सो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, जब मैंने इस सिस्टम को रिलीज कर दिया सो व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द वेज एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड। ऑब्वियसली जैसे ही ये रॉड नीचे आएगा तो ये जो वेज है ये लेफ्ट की तरफ मूव करना चालू कर देगा। तो हमें यही चीज़ पता करना है कि रॉड की एक्सेलरेशन क्या होगी और वेज की एक्सेलरेशन क्या होगी, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट दिस पार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो जब आप देखोगे ये जो रॉड है ये नीचे की तरफ आएगा तो इसकी जो एक्सेलरेशन होगी दैट एक्सेलरेशन इन दिस डायरेक्शन स्मॉल ए ले लिया मैंने, और ये जो वेज है ये राइट की तरफ खिसकेगा तो इसकी जो एक्सेलरेशन होगी दैट इज़ कैपिटल ए, करेक्ट है ना। तो यहाँ पर जब हम देखेंगे इज सपोज मैंने यहाँ पर अलोंग द इंक्लाइंड इसको मैंने क्या मान लिया दैट दिस इज माई एक्स एक्सिस, ओके, एंड दिस लाइन परपेंडिकुलर द इंक्लाइन इज माई वाई एक्सिस, है ना।
तो हम इस ए को रिजॉल्व करेंगे वन अलोंग एक्स एक्सिस एंड अनदर अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। तो सबसे पहले इस ए एक्सेलरेशन को यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, दैट दिस एक्सेलरेशन इज इन दिस डायरेक्शन, दिस इज द एक्सेलरेशन ए। तो इसको हम रिजॉल्व करेंगे वन अलोंग एक्स एक्सिस एंड अनदर अलोंग वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे ये वाला हो गया और वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन। तो यहाँ पर अगर ये एंगल थीटा फॉर्म हो रही है तो ये वाला हो गया ए कॉस थीटा और ये वाला हो गया ए साइन थीटा, ठीक है, लाइक दिस। और स्मॉल ए को रिजॉल्व करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वो खुद नेगेटिव वाई एक्सिस पे है। स्मॉल ए को रिजॉल्व करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वो खुद नेगेटिव वाई एक्सिस पे है, ठीक है। तो हमें पता है अगर इस रॉड को इस वेज के साथ कॉन्टैक्ट में बने रहना है ना, तो द एक्सेलरेशन हुज परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट टू द इंक्लाइन, उनको सेम रहना पड़ता है, ठीक है। मतलब देखो यहाँ पर रॉड का परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट कौन है जो इस इंक्लाइन से परपेंडिकुलर है, दैट इज ए। और यहाँ पर कैपिटल ए का परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट कौन है, ए साइन थीटा। तो इन दोनों को इक्वल रहना होगा अगर रॉड को वेज के साथ कॉन्टैक्ट में बने रहना है। सो स्मॉल ए इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा। स्मॉल ए का वैल्यू क्या आ गया, ए साइन थीटा आ गया, करेक्ट। तो हमें ये कॉन्स्टेंट रिलेशन मिला बिटवीन द एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द वेज। इसके बाद कुछ नहीं करना है हमें सिर्फ एफ बी डी बना के इसको सॉल्व करना है बस। अब जैसे कि यहाँ पर अगर मैं रॉड की एफ बी डी बनाऊँ तो रॉड की एफ बी डी में दिस इज अ नॉर्मल रिएक्शन गिवन बाय द वेज टू द रॉड एंड द वेट एम जी, लाइक दिस, ओके। सेम उसी तरीके से इस वेज का भी मास वेट एम जी और ये भी एक नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड करेगा, दैट इज एन वन, है ना। और यहाँ पर इस रॉड, ये वाली जो रॉड है ये, इसको भी नॉर्मल रिएक्शन देगी एन। तो मैंने यहाँ पर ही एफ बी डी बना दिया अलग अलग बनाने की जगह, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रॉड की। रॉड के ऊपर दो फोर्सेस लग रही है, एक है एन और दूसरी है एम जी, ठीक है। मैंने इस केस में इसको एक्स एक्सिस माना और इसको मैंने वाई एक्सिस माना है, ठीक है। तो एन तो खुद पॉजिटिव वाई एक्सिस पे, तो ऑब्वियसली हम एम जी को रिजॉल्व करेंगे। सो एम जी विल बी रिजॉल्व इनटू टू कॉम्पोनेंट्स, वन अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस एंड अनदर अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, लाइक दिस, ठीक है, चलो करेक्ट। तो यहाँ पर जब आप बेसिक ज्योमेट्री लगाओगे तो आपको मालूम पड़ेगा ये एंगल थीटा है जिसकी वजह से ये वाला पार्ट क्या हो जाता है, एम जी कॉस थीटा। तो दिस इज एम जी कॉस थीटा एंड दिस वन इज एम जी साइन थीटा। तो जब मैं आपको कहूँगा कि रॉड के ऊपर न्यूटन्स की सेकेंड लॉ लगा दो तो नेट फोर्स कितनी है, सो नेट फोर्स आपकी हो जाएगी एम जी कॉस थीटा माइनस एन विच इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। वॉट इज द वैल्यू ऑफ ए, दैट इज ए साइन थीटा। सो एम ए साइन थीटा और यहाँ पर क्या हो गया, एम जी कॉस थीटा माइनस एन। तो एन का वैल्यू कितना हो गया आपको, एम जी कॉस थीटा माइनस एम ए साइन थीटा। सो ये एन का वैल्यू हो गया नॉर्मल रिएक्शन, करेक्ट। चलो अभी यहाँ पर दिस इज योर एन और हमने पता है ए को कहा गया या ए साइन थीटा को रिजॉल्व कर दिया था, ए को रिजॉल्व कर दिया था इंटू ए साइन थीटा एंड ए कॉस थीटा, ठीक है। लेकिन अगर इस वेज के लिए मैंने ये एक्स एक्सिस माना और ये वाई एक्सिस माना तो मुझे एन वन और एम जी को भी रिजॉल्व करना पड़ेगा जिसकी वजह से चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, ठीक है। तो मुझे चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है, मुझे चीज़ों को आसान बनाना है। तो इस केस में मैं इसको एक्स एक्सिस मानूंगा और इसको वाई एक्सिस मानूंगा। अगर हमारा ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया, क्योंकि वेज खुद कहाँ पर जा रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पर जा रहा है, तो हमें सिर्फ एन को रिजॉल्व करना पड़ेगा जो कि हमारा काम आसान कर देता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर किसको रिजॉल्व करेंगे, ऑब्वियसली एन को रिजॉल्व करेंगे। सो एन रिजॉल्व हो गया इनटू टू कॉम्पोनेंट्स, वन इज अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस एंड अनदर इज अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस, है ना। इस लाइन को जब आप एक्सटेंड करोगे थोड़ा सा तो ये थीटा है, ये 90 हो जाएगी, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगी फॉर दिस ट्राइंगल, है ना। ये 90 माइनस थीटा, तो आपको पता है यहाँ पर 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है, तो ये थीटा हो जाएगा, तो ये आपका हो गया थीटा एंगल। इस तरीके से एंगल निकालते हैं बच्चों। तो ये आपका हो गया, दिस कॉम्पोनेंट विल बिकम एन कॉस थीटा, आई होप दिख रहा होगा आपको, एंड दिस कॉम्पोनेंट विल बी एन साइन थीटा। थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ, ठीक है, एन साइन थीटा। अभी ये ही फोर्स रिस्पॉन्सिबल होती है इसकी एक्सेलरेशन प्रोवाइड कराने के लिए। सी, इस वेज के ऊपर कोई दूसरी हॉरिजॉन्टल फोर्स है ही नहीं, सिर्फ यही एन साइन थीटा फोर्स है। सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन न्यूटन्स की लॉ के हिसाब से दैट एन साइन थीटा इज नथिंग बट वॉट मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इज एम एंड एक्सेलरेशन इज ए। एन की वैल्यू पुट कर दो ये वाली, सो देयरफॉर एम जी कॉस थीटा माइनस एम ए साइन थीटा और ब्रैकेट के बाहर क्या है, साइन थीटा है विच इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे।
सो एम जी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये हो जाएगा साइन इंटू साइन बिकम साइन स्क्वायर थीटा, राइट हैंड साइड भेज देंगे। राइट हैंड साइड भेजने के बाद ए बी कॉमन ले लेंगे, बहुत कुछ काम एक इक्वेशन में कर देंगे, तो ए। सो देयरफॉर एक्सेलरेशन कितना आ रहा है हम लोग को, एम जी साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन एम प्लस एम साइन स्क्वायर थीटा, सो दैट इज द एक्सेलरेशन। अब यही वैल्यू ए की इसमें पुट करेंगे तो जिसकी वजह से स्मॉल ए आ जाएगा, ए की वैल्यू क्या है, एम जी साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन एम प्लस एम साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए। इसको जब मैं साइन थीटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। सो दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड एंड दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द वेज। सो प्लीज कॉपी डाउन एंड विद दिस वी विल एंड अवर लेक्चर।